नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। पुलिस ने बलात्कार के आरोपियों को कानूनी सजा न दिलवाकर बाकायदा दोनों जोड़ों को थाने में बुलाकर मौलवी के सामने निकाह करा डाला। हालांकि अब पुलिस आला अधिकारियां भी थाने में शादी कराने की बात बयां कर अपनी पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं। जरा गौर से देखिए, यह है बिजनौर जिले का कोतवाली देहात थाना, जहां पर दुष्कर्म पीड़िता का कोतवाल साहब ने मौलवी को बुलाकर थाने में ही निकाह करा डाला। थाने में दुल्हा दुल्हन के साथ बराती भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि नौबान नाम का आरोपी युवक पड़ोस की ही एक युवती के साथ पिछले डेढ़ साल से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर रहा था। जब आरोपी युवक नहीं माना तो पीड़िता ने आरोपी नौबान के खिलाफ थाने में तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस ने 4 नवंबर को आरोपी के खिलाफ मामला तो दर्ज करा दिया था, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी तो नहीं करी बल्कि थाने में शादी जरूर करा दी है। ये पूरा मामला बिजनौर के थाना कोतवाली देहात के महुआ इलाके का है। जी, आपका नाम? आपका नाम? मोहम्मद नौमान। आप लोगों ने जो निगाह थाने में किया है, क्या मामला था और कैसे अपनी मर्जी से किया? आपने इन पे इल्ज़ाम लगाया था, उसका क्या हुआ? इन्हीं के साथ रहा, अपनी मर्जी से किया आपने? शाम तक दोनों ही परिवार आ गए। उन्होंने मतलब शादी को लेकर ये बात था, थाने पर ही मौलवी बुलाकर आपस में उन्होंने शादी कर ली, तो उसके बाद उन्होंने वापस ले लिया। आप ऐसी कोई समस्या? थाना प्रशासन की मौजूदगी थाने प्रशासन की मौजूदगी में तो नहीं, लेकिन ये थाने पर उन्होंने शादी की थी। पुलिस ने भी मदस्ता नहीं की, लेकिन उन्होंने आपस में शादी की। लेकिन प्रक्रिया चूँकि मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है, तो प्रक्रिया पूरी होगी। लड़की का कोर्ट में 64 का बयान होगा, जो भी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी उसके बाद।